सहरा अपने नसीब का। सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का। अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले, ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का, दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का। जी जी हाँ बिल्कुल, जैसा आप बेहतर समझे जी। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम खाला अम्मी जान। वालेकुम सलाम फरद बेटा। शाजिया कहाँ है? शाजिया लॉन में आपका इंतजार कर रही है। जी खाला जान, शुक्रिया। क्या हुआ जान, तबीयत तो ठीक है आपकी? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सुर्ख गालों पे ये मोती कैसे बिखर रहे हैं? आज फिर अनवर ने समीना को डांट दिया, क्या कसूर था बेचारी का? बस इतना ही तो पूछा था उसने अनवर से, आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं? ना कहा ना हाँ, बस झटक दिया बेचारी को। बस ऐसे ही झटकते रहेंगे अनवर भाई समीना को, शादी के बाद भी, तीन बच्चों के बाद भी। उन्होंने कभी प्यार से बात करना सीखा है क्या? लेकिन प्यार करना तो आता होगा। वो तो आता है, नहीं आता तो तीन बच्चे कहाँ से हो जाते? मारूंगी मैं आपको। आप कौन से प्यार की बात कर रही हो? शादी के बाद वाला प्यार। प्यार करने के लिए शादी भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल जान, बगैर शादी प्यार मजाजी है, और हकीकी इश्क तो शादी के बाद ही शुरू होता है। और हम आपको शादी की खबर ही देने आए हैं। किसकी शादी? अपनी शादी? नहीं, हम दोनों की। जिंदगी भर साथ रहने का ख्वाब ताबीर होने जा रहा है। सच? वो कैसे? अब्बू गए हैं डीएम खालू के पास, हम दोनों का रिश्ता लेकर। अच्छा, आपके तो वही है ना लेक्चरर साहब, और आपके लिए असद भाई। तो कैसे हैं आपके असद भाई? अगर आप एक झलक देख लेंगी तो बेहोश हो जाएंगी। कुबरू तो थे ही, और आर्मी ज्वाइन करने के बाद माशाल्लाह गबरू और सुखरू भी हो गए हैं।
बस करो जान, दिल ना जाने कैसा हो रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। मनचाही मंजिल पाने की खुशी ने हमारे दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी है। अल्लाह हमारी मुरादें पूरी करना। आमीन सुम्मा आमीन। जीनियस, ये सुरैया को तो मैंने पहचान लिया, लेकिन ये दूसरी लड़की कौन है? ये मैं नहीं हूँ, ये फरहत है। फरहत? वाकई? पर ये तो आप 20 साल पहले की लग रही है। बिल्कुल वही, वही पेशानी, वही होंठ, वही आंखें। और आंखों में वो कशिश। अच्छा, तो आप कशिश भी जानते हैं। ये फरहत तो बिल्कुल मुझ पर गई है। भाई होंगी क्यों नहीं, आप सगी खाला जो ठहरी। वैसे ये दूसरी लड़की भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। अरे ये तो वही है फरहत ने जिसको अपने भाई के लिए पसंद किया है। मेरे लिए? अभी तुमसे दड़े दो मौजूद हैं। इसको ना असद के लिए पसंद किया है फरहत ने, बताइए ना बद्रू भाई। शाजिया, फरहत की दुपट्टा बदल बहन और इकलौती सहेली, वो रॉयल शूज के मालिक है ना, मिर्जा अजीमुद्दीन बेग, उनकी इकलौती बेटी है, करोड़पति लोग हैं। इकलौती बेटी? जी। करोड़पति? बद्रू भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जी, मैं समझा नहीं। भाई हम ये सोच रहे हैं कि शादी के बाद कहीं कैप्टन साहब हमारे हाथ से न निकल जाए। नाउज़ुबिल्ला, वो कैसे? भाई अगर शादी के बाद मिर्जा साहब ने उन्हें घर जमाई बनाने की पेशकश की और वो भी फिसल गए तो? अल्लाह, आप तो हमेशा गलत ही सोचते हैं। ये हमारे मन में एक खदशा पैदा हुआ और हमने बयान कर दिया। अच्छा बच्चा, छोड़िए मलिक ज़ादा साहब, आपको पता है ना फहद और फरहत एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मेरा दावा है कि शाजिया को देखते ही असद भी पसंद कर लेंगे। मैं मम्मा के दावे की 100% तायद करता हूँ। आपकी मम्मा के दावे और आपकी 100% तायद हमारे सर आंखों पर, लेकिन लेकिन वेकिन छोड़िए मलिक ज़ादा साहब, फहद ने तो हमें अपनी राय पिछली गर्मियों की छुट्टियों में दे ही दी थी। जब उसने फरहत को देखा तो देखता ही रह गया, और असद भी। सुरैया बेगम, रहीद,
सईदा के बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा। बद्र भाई, मैं पहले रहीदा के लिए लड़का ढूंढना चाहिए। जी जी बेशक। किताबों की महफिल सजाए, वर्क के तहरीरों में खुद को उलझाए रखने वाली इस जहीन मोहतरमा का दिन अगर पढ़ने में निकलता है तो रात लिखने में कट जाती है। आइए हम आपकी तारुफ करवाएं इनसे। इनका नाम है रहीदा सैयद। ये एक आला तारीन नॉवल कारा है। इनके लिखे नॉवल में लोग इस तरह खो जाते हैं जैसे वो अपने ही बीते दिनों की तहरीरें बंद पढ़ रहे हों। खुद में हम रुसवा ना हों और इश्क के मारे ना हों, शायद यही वजह है कि इनके नॉवल मशहूर होते हैं। सैयद मलिक ज़ादा के तीन बेटे असद, फहद और आसिफ के साथ रहीदा उनके खानदान में लाडली बेटी हैं। मलिक ज़ादा के दो बेटियों और तीन बेटों में रहीदा बहुत ही जहीन है, मगर रहीदा अपने रूह को गमे तर रखकर कभी काली ही मुस्कुराने की जहमत उठाती हैं। इनकी रसवाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके वालिद सैयद मलिक ज़ादा सैयद घराने के उसूलों पर चलने वाले एक संगदिल इंसान हैं। उनका मानना है कि एक सैयद का रिश्ता सैयद में ही होना चाहिए। सैयद खानदान में रिश्ता होने के इंतज़ार में रहीदा के जवानी को बिना हाथों में मेहंदी रचाए उम्र में जाने की इजाज़त दे दी। रहीदा इसी फिक्र के तहत ऐसे मर्ज़ की मरीज हो गई जो इसकी जान कभी भी ले सकती है। इनकार तो नहीं किया खालू जान ने, मगर कबूल भी नहीं किया। उनकी पहली जिम्मेदारी रहीदा आपा है। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो अपने लड़कों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ना उम्मीद मत हो जान, हम अल्लाह मियाँ से दुआ करेंगे कि उनके लिए बहुत जल्द अच्छे से अच्छा लड़का मिल जाए। अब इतनी आसानी से ऐसा लड़का कहाँ मिलता है जैसा खालू जान ढूंढ रहे हैं। खानदानी, गबरू, सुखरू, आला तालीम, इतनी सारी खूबियाँ एक ही लड़के में कैसे मिल सकती है। लेकिन आप तो बता रही थी कि आपके लेक्चरर साहब में वो सारी खूबियाँ हैं। फहद? हाँ शाजिया, हमारे फहद में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक मर्द में होनी चाहिए, तभी तो हम उन्हें बचपन से चाहते हैं। और वो पहले तो वो मुझे बिल्ली कह के मेरा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन पिछली गर्मी की छुट्टियों में जब उन्होंने मुझे देखा तो बस देखते ही रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर सुरैया खान से कहा, फरहत तो अब बहुत अच्छी लगने लगी है। अच्छा आप ये बताइए, हो सकता है आपके असद भाई किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। असद भाई तो सिर्फ अपने मादरे वतन से प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन की ताकि धरती माँ की सेवा कर सके। और मुझे पूरा यकीन है वो आपकी तस्वीर देखते ही आपको चाहने लगेंगे। जान एक बार उनकी तस्वीर तो दिखा दीजिए। काबू रखिए काबू, दिखाएंगे, बहुत जल्द दिखाएंगे। Thank you.
चाय? हाँ रखिए। अभी तक असद का फोन नहीं आया। आ जाएगा बेगम, अभी तो पूरा इतवार पड़ा है। हमेशा सनीचर की रात को ही आ जाता है, फिक्र इसलिए हो रही है। देखिए बेगम, एक बार बच्चे को मातृ वतन की अमान में दे दिया तो समझ लीजिए कि अल्लाह की अमान में दे दिया। सरहद पर मुस्तैद हमारे ये बच्चे हर लम्हा हर वक्त अल्लाह के हिफ्स और अमान में होते हैं। माँ का दिल है ना, फिक्र में तो लगा ही रहता है। यहीं पर तो हम आपके एहसान मंद हो जाते हैं। आपने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि फरीदा, रहीदा, असद और फहद आपकी कोख से नहीं जन्मे। ये सब मरहूम सफिया बाजी की अमानत है मेरे पास। अगर मेरी कोख से नहीं जन्मे तो क्या हुआ, पाल पोस कर तो मैंने ही बड़ा किया है ना इन्हें। बेशक बेशक, आपकी तरबियत छाप उन पर पूरी तरह नुमाया है। फरीदा ने उर्दू में एमए किया, अच्छे घर में शादी हुई, आज माशाल्लाह दो तंदुरुस्त और खूबसूरत बच्चों की अम्मी है वो। असद फौज में कैप्टन है और फहद अंग्रेजी का लेक्चरर है। फरीदा ने भी अव्वल दर्जे में एमए पास किया। बेचारी बीमार ना होती तो अब तक अलामा इकबाल पर उसकी डॉक्टरेट भी पूरी हो गई होती। अल्लाह सबसे बड़ा कारसाज है बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह। लो आ गया असद का फोन। रहीदा है ना, ले लेगी फोन। हाँ, वो भी तो अपने भाई के फोन का इंतजार कर रही होगी। हेलो अपी, शेर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा कप्तान भाई? बिल्कुल फिट। और आप कैसी हैं? एकदम फिट। अम्मी और अब्बा जी कैसे हैं? अब उनका हाल तो वही बता सकते हैं, मम्मा तो रात से ही परेशान हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अब्बा जी भी उन्हीं का साथ दे रहे होंगे। और हमारा जीनियस भाई, वो कैसा है? हस्बे मामूल अपनी महबूबाओं के साथ स्टडी रूम में। मैं उन्हें फोन देती हूँ। जीनियस, तेरे शेर भाई का फोन है। अरे फहद का फोन तो सुबह 6:30 बजे ही आ गया था। सब खैरियत है वहाँ? अच्छा किसको दूँ, अब्बा जी को कि अम्मा को? मुझे तो भाई भाई, लेडीज फर्स्ट है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात है, बहुत दुबले नजर आ रहे हो। नहीं अम्मी। अरे तुम्हारी आवाज इतनी नहीं सी क्यों है बेटा? अम्मी, मेरे और आपके बीच 1800 किलोमीटर का फासला है, शायद इसीलिए। और पिछले सनीचर को तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बेटा मेरे पास बैठ के मेरे सामने मुझसे बात कर रहा हो। अम्मी, रात में ऐसा ही होता है लेकिन दिन में मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे जैसे कई बेटे अपनी अम्मी को फोन यू करते हैं, ट्रैफिक हो जाता है। अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो तुम? बस अम्मी, जल्द से जल्द आपी का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर देखिएगा। दौड़ते दौड़ते आऊंगा और अपने हाथों से अपनी आपी को दुल्हन बनाऊंगा। अम्मी, आपी का कुछ हुआ? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह जल्द अज जल्द हमारी तमन्नाएं पूरी करे। अच्छा लो, अब्बा जी को देती हूँ। अच्छा हाँ, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना और खाने पीने में कोई भी कोताही मत करना। और हाँ, रोज रात को सोने से पहले दूध जरूर लेना। जी अम्मी। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज मेरे बेटे, खुदा हाफिज। अच्छा लो अब्बा जी को देती हूँ। सलाम अलैकुम अब्बा जी। हाँ वालेकुम सलाम बरकरदार, कैसे हैं आप? भाई हम तो चुस्त तंदुरुस्त हैं, आप सुनाओ। बस अब्बा जी, आप लोगों की दुआएं। भाई हमारी ये गुजारिश है कैप्टन साहब। ऑर्डर सर। आप शनिचर की रात को ही फोन किया कीजिए।
आपकी अम्मी पिछले 12 घंटे से एक ही रट लगाए बैठी हैं कि असद का फोन नहीं आया, असद का फोन नहीं आया। माफ कीजिएगा अब्बा जी, एक्चुअली नए अफसर आए हैं और उनकी इस्तकबालिया मजलिस थी। मजलिस खत्म होते होते रात के 1 बज गए, इसलिए आप लोगों को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसी तकलीफ दिया कीजिए बरकुंदा। आपकी अम्मी सुबह 3 बजे सोई और 5 बजे उठ गई फोन की घंटी सुनकर। फहद का फोन होगा। हाँ हाँ, वो तो सुबह खुद 5 बजे उठ जाते हैं और फिर हमको उठा देते हैं। और आपकी अम्मी उनसे पूरे 40 मिनट बात कर रही थी और वो भी रो रो कर। भाई वो तो सुरैया ही जानती होगी, हमने तो बस उखड़ी हुई नींद में सलाम ली और वो नींदी नींद में दुआएं दे दी। कोई खास बात? हाँ बरखुरदार, मुझे तो बस एक ही खास खबर सुनाई दी। हमारे शहर की यूनिवर्सिटी ने उसे लेक्चररशिप ऑफर की है। अब्बा जी ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप शायद वो कबूल कर ले, पर अगर कबूल कर लेंगे तो हमारे साथ रहने आएंगे। बहुत बहुत खुशनसीब है, उसे आप लोगों के पास में रहकर आप लोगों की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। भाई खुशकिस्मती तो हमारी है बेटे, तुम वतन की हिफाजत कर रहे हो और फहद मुस्तकबिल के लिए तुम जैसे नौजवानों को तरबियत देकर मुल्क की खिदमत के लिए तैयार कर रहा है। बस अब्बा जी दुआ कीजिए। आसिफ आपके आसपास है? हाँ भाई, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लो उसे बात कर लो। अच्छा बेटा खुदा हाफिज, हाँ ख्याल रखना अपना। सलाम शेरू भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे जीनियस भाई, और पढ़ाई कैसी चल रही है? 21 घंटे। 21 घंटे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? कंपटीशन में अव्वल नंबर लाना है शेरू भाई। अल्लाह आपको नुमाया कामयाबी अदा करे। ओके जीनियस, फोन रखता हूँ। बाय बाय शेरू भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था सर, कोई खास बात? अपनी वहीद आपा के बारे में पूछ रहा था कि कोई रिश्ता हुआ कि नहीं, या कोई लड़का पसंद आया, या कहीं शादी की बातचीत हुई। और हाँ, वो अपनी रहीदा आपा की तबीयत के बारे में पूछ रहा था कि आप कैसी हैं। कहानी अपनी लाइए, मुझे दिखाइए। वालदेन अव्वल, पहले अब्बा जी और मम्मा। अपी मैं 21वीं सदी के 21वें साल के आखिरी महीनों में सफर कर रहा हूँ। जुमला अच्छा है, थोड़ी सी तरमीम। 21वीं सदी की 21वीं बहार को अपने दामन में समेटे अपनी मोहब्बत की तलाश में भटक रहा हूँ। वाह अपी वाह, 21वीं सदी में 21वीं बहार को अपने दामन में समेटे अपनी मोहब्बत की तलाश में भटक रहा हूं। वाह। अरे रहीदा बेटा आओ, आ जाओ। आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक हकीर सी नई कोशिश, जरा पढ़िए और अपनी राय दीजिए। आप खुद ही पढ़ लीजिए ताकि आपकी अम्मी भी सुन सके।
ठीक है, गौर से सुनिएगा और ईमानदारी से अपनी राय पेश कीजिएगा। आप दोनों को नकाद की हैसियत में रखकर सुना रही हूँ ये मुसव्वदा। ठीक है तो हम नकाल की हैसियत से ही सुनेंगे, आप सुनाइए। अब्बा जी माफ करना बेटा, वो जबान फिसल गई, पर आप सुना दीजिए ना। ठीक है तो सुनिए, इसका उन्वान है हिचकोले। वाह वाह, हिचकोले। अब्बा जी अब आप ना बीच में तारीफ करेंगे और ना तनकीद, एकदम खामोशी से सुनेंगे। ठीक है, जैसा आप फरमाएंगे। चलिए चलिए आप पढ़िए। हिचकोले, जब बैलगाड़ी पक्की सड़क पर चलती है तो झटके नहीं लगते, बड़े आराम से चलती है। बैलों के गले में बंधी घंटियों और लकड़ी के चक्के पर लगे फौलादी हाल के नीचे आकर टूटने वाले छोटे छोटे कंकरों और पत्थरों के टूटने की आवाज के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन पक्की सड़क पर पहुंचने से पहले कच्चे रास्ते पर छोटे मोटे गड्ढों और कभी कभी बड़ी बड़ी लीकों में उलझकर वही बैलगाड़ी चलती है तो हिचकोले लेती है। कभी छोटे हिचकोले तो कभी बड़े हिचकोले। जिन लोगों ने बैलगाड़ी की सवारी की है, दोनों हालात का जायजा लें तो समझ में आएगा उन हिचकोलों का मजा ही कुछ और है। हमारी जिंदगी भी बैलगाड़ी के सफर जैसी ही है। पैदा होने से लेकर 10-11 साल तक की उम्र तक तो सब कुछ बड़ा अजीब सा होता है। हम अपने माँ बाप, भाई बहन या दीगर लोगों की नकल करके बोलना, चलना और खाना पीना सीख लेते हैं। इस किस्म की कोई जिरह नहीं करते कि ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, बस खाने पीने और खेलने कूदने और पढ़ाई में मस्त रहते हैं। ये हमारी उम्र के 11 साल पहाड़ी गांव की पतली और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पर उछलने कूदने जैसा या फिर हवा में पर लगाकर उड़ने जैसा दौर है। फिर हम दाखिल होते हैं कच्चे रास्ते पर चलने वाली बैलगाड़ी के दौर में। लेकिन इस दौर पर बहस करने से पहले आइए हम जरा पक्की सड़क पर चलने वाली जिंदगी पर थोड़ी सी बहस कर लें। जिंदगी का ये दौर 19-20 साल की उम्र से शुरू होता है। इसे पक्की सड़क का दौर कह लें या पक्की उम्र का दौर, यहां तक पहुंचते पहुंचते हम जिस्मानी तौर पर तो बिल्कुल बालिग हो चुके होते हैं, अक्ल व फहम के एतबार से भी बालिग हो चुके होते हैं। अपने फैसले खुद करने की सलाहियत भले ही हम में ना आई हो, मगर अपने फैसले करने की ख्वाहिश तो हमारे अंदर पूरी तरह जन्म ले चुकी होती है। लेकिन उससे पहले का दौर जो दौर है इस कहानी का मरकजी ख्याल है, बड़ा अजीब व गरीब दौर है। इस दौर में पहले तो हम जिस्मानी हिचकोले से दोचार होते हैं, साथ ही साथ अक्ल और फहम के हिचकोले भी हर लम्हा हमें जुम्बिश में रखते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इस दौर में हम बिल्कुल कंफ्यूज से रहते हैं। तकरीबन हर वक्त जागते सोते हमें ऐसे ख्वाब आते हैं जिनके कोई सर पैर नहीं होते। वो सारी चीजें हम बचपन में देख चुके होते हैं, अब अजनबी सी लगने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है ये सवाल अगर हम किसी साइकोफिजिकल एक्सपर्ट से पूछें तो वो तफसील से हमें समझा सकता है और बात हमारी समझ में भी आ जाएगी, लेकिन इस दौर से गुजरने वालों की समझ में कतई नहीं आएगी। ऐसा क्यों है, मेरा ख्याल तो वही है, कन्फ्यूजन। इस उम्र का दौर पूरी तरह कन्फ्यूजन का दौर है, जिसे हम हिचकोलों का दौर कहें तो बेजाना होगा। ऐसे हिचकोलों के दौर से हमारे किरदार ताल्लुक रखते हैं, जिनमें किरदाराने खास हैं शशि बुंदेला और मयंक खरे।
गई ना सिट्टी पिट्टी गुम। ये तो सिर्फ हमारे नॉवल का दिबाचा है, कहानी तो अब शुरू होगी। मैं तो वाकई गूंगा हो गया, है ना बेगम? आज पहली बार मरहूम सफिया बाजी पर अश्क आ रहा है मुझे। रहीदा मेरे बतन से पैदा क्यों नहीं हुई? वाकई इतनी छोटी उम्र, इतनी ऊंची सोच, इतनी बुलंद फिक्र। 27 साल की हो गई है रहीदा, आपको ये भी याद नहीं? मुझे सब कुछ याद है सुरैया। रहीदा की पैदाइश तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूं। मेरी तीसरी कोशिश थी आईएएस के लिए। रहीदा रात के 12:30 बजे पैदा हुई थी। सुबह की डाक से मुझे इंतखाबी रुका मिल गया। खुशकिस्मती का आबशार है रहीदा मेरे लिए, पर बजात खुद बदकिस्मत है। 7 साल से तलाश कर रहा पर कोई ढंग का खानदानी लड़का नहीं मिल रहा है। बहुत फिक्रमंद हूं मैं रहीदा के लिए। क्या खाक फिक्रमंद है आप? अगर आपको फिक्र होती तो बदरू भाई के खाला के नवासे का रिश्ता कब का हो गया होता रहीदा का। शारजा में नौकरी करता है लड़का, अच्छी खासी तनख्वाह है। तन्हे तन्हा ऐश करती हमारी रहीदा। वो क्या नाम बताया तुमने अपने बदरू भाई की खाला के नवासे का? फैजान। फैजान, हाँ हाँ हाँ, फैजान फारूकी। फैजान फारूकी अच्छा लड़का है, वालदैन नहीं रहे बेचारे के। पर वैसे वालिद का नाम क्या था? फारूक पठान। हाँ हाँ, फारूक पठान। वालिद का नाम फारूक पठान और बेटा फैजान फारूकी। आला खानदान की हड्डी पसली तराशते रहेंगे और बेटी बूढ़ी हो जाएगी। अरे मैं भी कौन से आला खानदान से थी बेगम? इसका इल्जाम इश्क के सर। हमने तो पहली नजर में ही आपको दिल दे दिया था, इश्क हो गया था आपसे। और इश्क हड्डी पसली नहीं देखता है ना। बजा फरमा रहे हैं आप बेगम। हम किसी भी खानदान की एक खूबसूरत, पढ़ी लिखी और महजब लड़की अपनी बहू बनाकर ला सकते हैं, पर अपनी बेटी बराबर के या फिर आला दर्जे के खानदान में ही देंगे। जमाना बदल गया है मलिकजादा साहब। खानदानी लड़के तालीम याफ्ता नहीं है, दीनी और दुनियावी दोनों ही। आप अपने ही खानदान में देख लीजिए, आपके अपने बच्चों के सिवा कोई भी लड़का 10वीं से आगे पढ़ा लिखा नहीं है। मामू खाला फुफो और चाचा सबका वही हाल है। हम सर्फ है सबके सब। जैसे गलती तो वालदेन की है। गलती किसी की भी हो, सबके सब खानदानी बच्चे नाल हैं। और अगर कोई भी लड़का गलती से थोड़ा पढ़ा लिखा गया है तो उसके दिमाग 7वें आसमान पर है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके पैर जमीन पर होंगे। मेरा ख्याल है मलिकजादा साहब, हमें एक बरसरे रोजगार, तालीम याफ्ता, मुअज्जिब और बाखलाक मुसलमान बच्चे की तलाश करनी चाहिए अपनी रहीदा के लिए। बेशक बेशक, और वो सैयद भी हो, पर फैजान फारूकी जैसा सैयद कतई नहीं। फैजान फारूकी नाम है लड़के का। शाजिया की तस्वीर देखते ही इस बच्चे ने पसंद कर लिया। माशाल्लाह,
माशाल्लाह, तस्वीर में तो काफी वजीह लग रहे हैं। लग नहीं रहे हैं फौजिया, वजीह हैं। एक अलग सा मर्दाना खूबसूरती का मालिक। शारजाह में परफ्यूम फैक्ट्री में एक बहुत बड़े ओहदे पे है, जनरल मैनेजर। मगर मिर्जा साहब, मलिकजादा साहब के वास्ते तो कोई जवाब ही नहीं आया। वहाँ के हालात देखकर तो नफी का इशारा लग रहा है। उनका कहना है कि बेटी के रिश्ते के बगैर वो बेटों के बारे में सोच भी नहीं सकते, और सही भी है, पर हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। और ये लड़का, ये तनहा है बिल्कुल, कोई आगे पीछे नहीं, ना माँ बाप ना भाई बहन। घर दामाद बनने के बाद फौरन कबूल कर लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहाँ पा रहे हैं? परसों शाम को। और शाजिया को अगर लड़का पसंद आ गया तो फौरन हम बात पक्की कर लेंगे, उसके बाद मंगनी करेंगे। देखिए, शाजिया हमारी इकलौती बेटी है, उसकी मंगनी की रस्म बड़ी धूमधाम से बड़ी से बड़ी शादियों से भी बड़े पैमाने पर करेंगे। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा फौजिया बेगम। मैं जाता हूँ, शाजिया को भेजता हूँ यहाँ पे, उसे ये तस्वीर तो दिखाइए। जी। सलाम अलैकुम खाला अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटा। जी अम्मी, आपने बुलाया हमें। हाँ बेटा, ये तस्वीर देख के बताना तो ये तुम्हें कैसी लगे? लगता है हमारे होने वाले दूल्हे भाई की तस्वीर है आपके हाथ में। हाँ, अभी भी मिर्जा साहब लेके आए हैं। शाजिया, जरा देख के बताओ कैसे लग रहे हैं तुमको? शाजिया तो तब बताएंगी जब हम अपनी राय देंगे। अल्लाह, ये तो फैजान भाई है। तुम इन्हें जानती हो? जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। शाजिया आपकी सहेली है और ये आपके रिश्तेदार, परसों ही आ रहे हैं शाजिया को देखने। लेकिन अम्मी, आराम से बेटा, आराम से फोटो देख लो और फरज से इसके बारे में मालूमात हासिल कर लो, परसों आ रहे हैं तुम्हें देखने। ऐसे मामलात में दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। तुम्हारे अब्बा को तो फैजान बहुत पसंद है और मुझे भी। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम बरखुरदार। आप तशरीफ रखिए, मैं अब्बा जी को इत्तला करके आता हूँ। अब्बा जी आइए आइए। जीनियस, तशरीफ रखिए। अब्बा जी, वो मामू जान आए। इराक मिर्जा, या अल्लाह रहम। तौबा कीजिए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मीराक भाई साहब आपके इकलौते साले हैं, आपके घर मेहमान बनकर आए हैं। उम्र में मरहूम सफिया बाजी से बड़े हैं और आपसे भी। जानू, आप जाकर उन्हें इज्जत से बिठाओ और बोलो अब्बू आ रहे हैं। जी मम्मा, वैसे वो आलती पालती मारकर बैठ चुके हैं सोफे पर। ना आपने, वो गंदी सी चप्पल भी नहीं उतारी होगी। आदत है उनकी। अब आप जाइए, अपने चेहरे से नागवारी के असरात हटाइए और जाकर खैर मकदम कीजिए उनका। लीजिए, चाहिए। बेगम, खैर मकदम तो क्या, मैं तो उन्हें इस्तकबालिया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डर लगा रहता कि कहीं कोई ऐसा काम लेकर ना आया हो जो हो ही ना सके। अरे उल्टे सीधे काम लेकर आते हैं, जिन्हें करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अच्छी खासी रकम पेशी लेकर बैठ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप अपने चेहरे से जाहिर मत कीजिएगा कि आपको उनका यहाँ आना बुरा लगता है। प्यार से सुलझे हुए लहजे में जाके बात कीजिए और मैं जाकर खाने का इंतजाम करती हूँ।
चाहिए। वो तो करना ही पड़ेगा बेगम। जोराने का वक्त ताक कराते हैं मिराक मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम कलेक्टर दूल्हे मियां। मिराक मिर्जा आप, वैसे सलाम तो पहले हमें करनी चाहिए, आपने मौका ही नहीं दिया। हम आपसे छोटे हैं, आप बुजुर्ग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेरे हो कलेक्टर दूल्हे मियां, हमारी भी उम्र लेकर जियो। भाई हम तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं और दूल्हे तो अब रहे नहीं हम। वैसे दूल्हा बनने की उम्र अब तो हमारे बेटों की है। माशाल्लाह, इसीलिए तो हम हाजिर हुए हैं। आप तो तशरीफ रखिए, मैं तो आज आपसे बड़ी जरूरी बात करने आया था। जरूरी बात? हेलो जी। अच्छा अभी इसी वक्त? ठीक है मैं निकलता हूं, शुक्रिया। मिराक मियां हमें किसी काम से जल्दी निकलना है, आप तशरीफ रखिए। मैं आपकी जरूरी बात के लिए सुरैया और बद्रू भाई से कह दूंगा, वो आपसे रابطہ कायम कर लेंगे। जी जनाब, कोई बात नहीं। मुझे इजाजत दीजिए। मिराक भाई असद मियां के लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे। अच्छा तो यही जरूरी बात करनी थी उसे हमसे? वो जब भी आते हैं कोई ना कोई पैगाम तो लेकर ही आते। एक बार सुन तो लीजिए, आला सैयद खानदान है और लड़की 15 जमात तक पढ़ी है, मुअल्लिमा भी रह चुकी है और उसके वालिदैन भी आला तालीम के मालिक हैं। सुरैया, रहीदा अभी कुमारी बैठी है, उसके अक्त से कबल असद की शादी का जिक्र क्या मौजू है? इसी मसले का हल लेकर मिराक भाई यहाँ आए थे। रहीदा का रिश्ता लेकर मिराक भाई सैयद इस्माइल अनवर फरीदी साहब के घर गए थे। आपका नाम सुनते ही सैयद साहब खुश हो गए, कहने लगे हमारे फर्जंद के लिए मलिकजादा साहब ने अपनी बेटी का पैगाम भेजा है। उनका पैगाम सर आंखों पर, जल्द से जल्द ये रिश्ता किया जाए। लेकिन लेकिन क्या? उनकी एक छोटी सी शर्त है। वही जहेज की शर्त होगी और क्या? दहेज तो हम देंगे ही ना अपनी बेटी को, और हम भी देंगे अपनी हैसियत से ज्यादा। हैसियत से ज्यादा नहीं, जरूरत के मुताबिक। नकद, गाड़ी, बंगला अगर उन लोगों को चाहिए तो उनसे हमारी तरफ से माफी मांग लीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं फरीदा के अब्बू, ये सब चीजें तो आम है आजकल, और गरीब भी देता है अपनी बेटी को दहेज, तो हम एक गाड़ी किस्तों पर लेकर तो दे सकते हैं ना अपनी बेटी को। आते ही नहीं, जहेज के नाम पर तो एक फूटी कौड़ी नहीं। जो कुछ भी हम अपनी बेटी को देंगे उसके ऐश और आराम के लिए देंगे। गैर कानूनी है ये सब और मेरे उसूल के खिलाफ भी। रहीदा हमारी लाडली बेटी है, उसकी अज़दवाजी जिंदगी बेशक खुशहाल तरीन देखना चाहते हैं हम, कि उसके लिए एक जर खरीद शौहर अक्त में दे ये हमें कबूल नहीं। राग भाई कह रहे थे सैयद साहब का भी यही मानना है, वो जहेज ना लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, के मुताबिक जहेज गुनाह अजीम है। वो जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, शरीयत के दायरे में रह के करते हैं। फिर वो शर्त की बात क्या कर रहे थे? शर्त, वो रहीदा को अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं और बदले में अपनी बेटी जायदा को आपको सौंपना चाहते हैं। ओ, यानी कि साटा लोटा, अपनी बेटी उनको दे और उनकी बेटी अपने घर ले आए। अरे बद्रू भाई, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारे वालिद मोहतरम आखिरी वक्त पर एक ही बात कहेंगे,
बदले का रिश्ता कभी मत करो। बच्चे जिंदगी भर उलझे रहते हैं और अपने वालदैन को कोसते रहते हैं। हमारे चचाजाद भाई मुख्तार मलिकजादा का नाम तो सुना होगा जी। उनके बच्चों का दो दो बार तलाक हो चुका है, बेटी का तो कोई बच्चा है नहीं, पर बेटे को 4 साल की बेटी है। दोनों मुख्तार भाई के सिर पर बैठे हुए, इसलिए बदरू भाई और सुरैया मुझे इस बदले के रिश्ते के लिए मजबूर मत कीजिए, आपसे गुजारिश है। दुनिया में सबको मिलता है सहरा अपने नसीब का, रब जाने कैसे खिलता है सहरा अपने नसीब का, अब किसको क्या मिले हो, अब किसको क्या मिले, ये मुकद्दर की बात है। आँखों में सबकी पलता है सहरा अपने नसीब का।